आप बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक देते सुनते होइएगा कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, बाहरी दिखावट नहीं होनी चाहिए। जब बात आती है सोशल मीडिया हैंडल का डीपी चेंज करने की बात, तो बोला जाता है मैं डीपी नहीं चेंज करूंगा, मैं दिल से देशभक्त हूं। जब बात आती है वंदे मातरम बोलने की बात, तो बोला जाता है कि वंदे मातरम बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं देशभक्त हूँ और मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा क्यों अपना डीपी चेंज करना चाहिए, क्यों हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत अपने घर पे तिरंगा फहराना चाहिए, क्यों जो है आपको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे यार कि ये कौन सा तर्क हो गया, देशभक्ति सच में तो दिल में होनी चाहिए। सच्चाई है, दिल में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इसके जवाब में ही सारे आंसर आपको मिल जाएगा। एक बात बताइए, सिंबल जो होता है, जब बात करते हैं तिरंगा की, जब बात करते हैं वंदे मातरम बोलने की, तो ये सब एक सिंबॉलिक चीज़ हो जाता है। सिंबल का कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होता है, असर होता है। हर सिंबल का अपना मायने होता है। और जब हम किसी सिंबल को देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टोरी होता है वो हमारे दिल दिमाग सब जगह आता है, और फिर उससे कनेक्ट अगर हम होते हैं तो उस अनुसार काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए तिरंगा की बात, भूल जाइए वंदे मातरम की बात, बात करते हैं जो वीडियो जिस भी रिलीजन का है देख रहे हैं, आपके रिलीजियस सिंबल जब आपके सामने आता है तो आपके अंदर से कैसा फीलिंग आता है, आता है नहीं आता है? जब आप अपने धार्मिक जो है मंत्र या जो उच्चारण होते हैं उसको बोलते हैं तो आपके अंदर कैसा फीलिंग आता है, आता है या नहीं आता है? वो कहना तो आप नहीं छोड़ते हैं। आप अपने धर्म से रिलेटेड, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब आप अपने धर्म से रिलेटेड स्लोगन को बोलते हैं तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मिलता जरूर होगा, आप मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। जब आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई सिंबल कहीं पे भी देखते हैं, चाहे ब्रासलेट में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं फोटो हो, कहीं पे भी कुछ भी जब सिंबॉलिक चीज़ देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टोरी होता है वो आपको याद आता है, और फिर उस अनुसार आप काम करना चाहते हैं। और यही असर होता है जब आप जो है एक तिरंगा अपने डीपी में लगाते हैं, या हाथ में तिरंगा लेते हैं, या वंदे मातरम या जनगण मन कहीं जाते हैं और बोलते हैं, गाते हैं। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को फोर्सफुल्ली जो है उसको बुलवाना ही चाहिए, उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि इच्छा की जब बात आती है तो आपके अंदर से वही चीज निकलता है बाहर जो आपके अंदर होता है। अगर आपके अंदर जो है रिलीजियस चीज भर भर के कूट के भरा हुआ है तो फिर आपका जो शब्द होगा, आपका जो एक्टिविटी होगा उसी अनुसार से होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसी तरह से अगर देशभक्ति अंदर से कूट कूट भरा होगा तो अगर आपके सामने से अगर कोई तिरंगा का अपमान होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज चैनल अपने आप को चला रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि एक गरीब बंदा है, इसको गवर्नमेंट के तरफ से फोर्सफुली कहा गया कि आपको हर हाल में तिरंगा खरीद करके इसके बाद जो अपने घर पे लगाना है, और इसके पास खाने का उपाय नहीं है, ये तिरंगा कहाँ से खरीदेगा। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, देखिए जो इलीगल है इलीगल है, गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई फोर्सफुली कहा है तो ये गलत है, ये भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि उसी बंदे को अगर कोई रिलीजियस काम है, कोई धार्मिक चीज है और वहां पे चंदा इकट्ठा करना है, वो बढ़ चढ़ के आगे आएगा और चंदा देगा, देगा वो बंदा जो अपने आप को गरीब कह रहा है। इसके बाद जो है एक और काम करेगा, जब भी कोई पॉलिटिकल जो है रैली होगा उसमें सम्मिलित जरूर होगा, और उसमें जो है उसको जो है बढ़ चढ़ के जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ खर्च भी करेगा। बहुत सारी चीज है जो रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी को लोग जो उजागर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, जब इन्हीं लोगों को जो आज तिरंगा लगाने से कतरा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो बंदे को अपने धर्म से रिलेटेड जो है, चाहे वो भगवा वाला झंडा हो चाहे वो ग्रीन वाला झंडा हो, ये लोग को जो है अपने घर के ऊपर वो झंडा लगाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं। सोचते, अरे यार देखो मैंने ये झंडा लगाया है, मैं इस रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि ये सब जो प्रतीक सिंबल होता है वो जो है एक पास्ट की कहानी जो याद दिलाता है। तो अगर हम अपने घर पे तिरंगा लहराए, हम अपने डीपी पे तिरंगा लहराए, इससे क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों में जो है ये भावना धीरे धीरे फैलता है कि अरे यार मुझे भी लगाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत छोटा असर पड़ता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। और यही रीजन है कि आप जहाँ भी देखेंगे, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो धार्मिक चीज़ हो,
उसका भी अपना एक सिंबल होगा, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी हो उसका भी अपना सिंबल होगा, कोई कम्युनिटी हो वो अपना सिंबल या लोगो बनाएगी। इनफैक्ट यहाँ तक आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते तो उसका अपना लोगो होता है, और यही इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर सहमत नहीं है तो आप अपने लॉजिक के साथ इस वीडियो को नीचे लिखिए। हो सकता है मुझे और जानकारी की ज़रूरत हो और आपके पास बेहतर जो है लॉजिक हो, तो ताकि अपने आप को भी मैं इम्प्रूव कर सकूं और ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं उनका भी जो है लॉजिक के थ्रू जो है अपने आप को नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें समझ सकते हैं।